शर्मसार करने वाली घटना। तेज बुखार से मरे दो बच्चों को सरकारी अस्पताल से 15 किलोमीटर तक अपने कांधों पर ले निकले माँ बाप। राज्य और केंद्र सरकार पर उठे कई सवाल। दरअसल तस्वीर में दिखाई दे रहा 6 साला बाजीराव और 3.5 साला छोटा भाई दिनेश की बीते 4 सितंबर 2024 को तेज बुखार आने पर उनके माँ बाप उन्हें गांव के एक पुजारी के पास ले गए, जहां जड़ी बूटी लेकर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें जमलगट्टा सरकारी अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टर ने उन दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस ना होने के कारण अपने दोनों मासूम बच्चों की लाश कांधे पर लिए 15 किलोमीटर तक चलकर गाँव आए। ये घटना महाराष्ट्र राज्य गढ़चिरौली जिला तालुका अहिरी के यरगट्टा गाँव की बताई जा रही है। सौ बात की एक बात तो साफ है कि विकास के नाम पर गाँव की हालत जैसी थी वैसी ही नजर आ रही है, पर ना तो वहाँ पक्की सड़कें बनी हैं और ना ही ग्रामीणों को शहरी सुविधा उपलब्ध हो रही है। शायद इस घटना के बाद सोया हुआ प्रशासन और राजनेता शर्म के मारे ऐसे ग्रामीण इलाकों के बारे में कुछ सोचेंगे।